नमस्कार, मैं प्रसन्नजीत, इंटेंसिव एक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में सबको स्वागत करता हूँ। देखिए, वीडियो 31/10/2021 मतलब आपका अक्टूबर महीने का वीडियो है। तो मैं फिलहाल यही बताना चाहता हूँ, इस साल हमारा जो फोकस है ब्रीडिंग में, किसी को अगर लगता है हम ब्रूडर बाहर से मंगा लूँगा और ब्रीडिंग कर लूँगा सिंगी में, पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत सारा रिस्क है, ठीक है। तो इसीलिए आपका फार्म में जो मछली बड़ा होगा उसी से आपको ब्रीडिंग कराना सही रहेगा। तो ब्रीडिंग का जो पॉइंट है उसमें केयर बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। केयर कैसे करना है इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर है, आप उसी नंबर पर संपर्क करें और आपका पॉइंट साइज बताइए तो शेड्यूल आपको मिल जाएगा, उसी हिसाब से आप कल्चर को कीजिएगा। इसका साथ साथ जो गूगल सीट आपको मिलेगा उसको मेंटेन कीजिए, तो इसमें कोई भी तकलीफ नहीं आने वाला है। देखिए, कोई भी मछली का ब्रीडिंग करने से पहले एक बार उसको पकड़ के चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रीडिंग का जो टाइम होता है उससे 15 से 1 महीना पहले, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है, अगर एक अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो खाना में और कुछ बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ता है टोटल आपका पॉइंट में। तो हमने भी लास्ट ब्रीडिंग था हमारा 2021 में नवंबर महीना तक हमने ब्रीडिंग किया था। जैसे हमने बताया था, छत्तीसगढ़ में जिसका जिसका फार्म है उसको छत्तीसगढ़ का ही सेट मिलेगा और बहुत ही कम प्राइस में मिलेगा, ठीक है। तो हमने मछली का ब्रूडर चेक कर रहा था, बहुत अच्छा साइज था। इसमें हमने टोटल 400 kg मछली रखा था सिंगी का ब्रूडर, जो हमने मई महीना से ब्रीडिंग स्टार्ट किया था और अब नवंबर तक किया था। तो क्या क्या नोटिस करना है, पहले मछली पकड़ के आपको देखना है मछली में कोई डिजीज है क्या, मछली में स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, अंडा ठीक से बन रहा है क्या, मेल सफिशेंट है क्या। क्योंकि देखिए, सिंगी में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होता है कुछ कुछ पॉइंट में हो जाता है, फीमेल ज़्यादा तो उसका मछली बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, उसको बहुत मज़ा लगता है। फार्मिंग करने के लिए तो सही है, बट ब्रीडिंग करने के लिए तकलीफ हो जाता है, क्योंकि जो मेल होता है वो मेल बहुत छोटा होता है, ठीक है। और मेल अगर नहीं मिलेगा तो ब्रीडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक फीमेल का साथ 5-6 मेल देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फीमेल का साइज आपको 150 ग्राम तक होता है और मेल का साइज तो आपको 25-30 ग्राम का है, ठीक है। 150 ग्राम का जो फीमेल है उसमें कम से कम 8 से 10 हज़ार अंडा रिलीज होता है, तो इसलिए मेल आपको ज़्यादा जरूरत पड़ता है, तो ठीक है। तो हमने जो चेक किया था मछली का साइज़ देख लीजिए कितना बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही मछली आप भी चेक कीजिए टाइम टू टाइम, ठीक है, क्योंकि ब्रूडर सही नहीं रहेगा तो बच्चे में भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होने वाला है। और एक बात है, कभी कभी आपको दिखाई देता है सिंगी में टेराबेका टाइप का, ठीक है, एकदम प्लेन नहीं है, उसका हड्डी थोड़ा सा टेराबेका टाइप का हो जाता है। तो ऐसे फीमेल और मेल को आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो उसका बच्चा होगा उसमें भी प्रॉब्लम्स आता है। और सिंगी का फीमेल अगर 150 मतलब 100 ग्राम से 150 ग्राम का होता है तो उसका जो बच्चा होगा ना वो 6 से 7 महीने के अंदर आपको 100 ग्राम का हो जाता है, ठीक है। जो हमारा सेमी बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है उसमें ऐसा रिजल्ट हमको देखने को मिला, ठीक है। और हमने क्यों ब्रीडिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कल्चर में सबसे ज़्यादा सिंगी का जो दिक्कत आ रहा है, बहुत दूर अगर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है बच्चा में, बहुत सारा मोर्टेलिटी होता है। इसलिए हमने 7 स्टेट को चूज़ किया जहाँ से आपको नियरेस्ट स्पॉन मिल जाएगा, ठीक है। वही नियरेस्ट स्पॉन अगर मिल जाएगा, बच्चा अगर मिल जाएगा, तो आपको कल्चर में बहुत चेंजेस आने वाला है, क्योंकि खर्चा भी कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कम हो जाएगा। उसका साथ साथ आप नोटिस करना, हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर जैसे मिला रहता है, उसका साथ साथ सेट डिपार्टमेंट का नंबर भी दिया रहता है, आप वहाँ से सेट का ऑर्डर कर सकते हो। उसका साथ साथ रेडी फिर सेल, अगर आपका मछली रेडी हो चुका है और आप सेल करने में तकलीफ हो रहा है तो उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप आपका मछली सेल भी कर सकते हो। अभी बात आता है मछली पकड़ने के बाद कब पकड़ना है ब्रीडिंग का, कितना दिन पहले पकड़ना है। देखिए, अगर आपको ब्रीडिंग आपका फार्म का साथ पॉन्ड है, सबसे बेस्ट है 2 दिन पहले, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 दिन पहले आप मछली को पकड़ लीजिए। पकड़ लेने के बाद मेल और फीमेल को डिवाइड कर दीजिए और उसमें अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिए प्रोबोक्योर से, ठीक
ठीक है, तो वो क्योर से सैनिटाइज कर लीजिए। और जिस टैंक में रहेगा, छोटा टैंक होना चाहिए, नीचे सॉयल होना जरूरी है, तो उसी टैंक में थोड़ा सा पोबो क्योर चार्ज कर देना और उसको लाइव फीड देने का कोशिश करना, लाइक दैट वर्म मॉस्किटो लार्वा किसी, ठीक है। और नहीं तो आप चीते का जो अंडा आता है ना, जो मछली पकड़ने वाला सब कुछ सामान जहाँ से मिलता है वहाँ पे मिल जाएगा, वो भी आप खिला सकते हो, बहुत अच्छा काम आता है। तो ऐसे ही हमने भी किया था, तो आप भी ऐसे ही कीजिए। और बहुत ही जल्दी शायद जून महीने में, जून महीने से आपका सिंगी ब्रीडिंग क्लासेस हम लोग स्टार्ट करूँगा। 5 से 6 दिन का क्लास रहेगा, टोटल प्रैक्टिकल, मछली कैसे पकड़ना है, मछली का इंजेक्शन कैसे बनाना है। देखिए आज का दिन में तो सब सिंथेटिक हार्मोन यूज़ करता है, जिसका वजह से बहुत सारा मेल का मोर्टलिटी हो जाता है, और सेकेंड टाइम ब्रीडिंग के लिए आपका पास मेल बचता नहीं है। तो वो जो हार्मोन्स कैसे बनाना पड़ता है, ठीक है, इंजेक्शन कैसे देना पड़ता है, उसका बाद अंडा जो होता है, अंडे को कैसे हैंडलिंग करता है, सारा डिटेल्स रहेगा। तो आप साथ में रहिए, बहुत सारा अपडेट में बहुत जल्दी देखने वाला हूँ। थैंक यू।